नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी में एक बार फिर लोगों और पुलिस के बीच दूरियां कम करने के लिए थानों में जनसुनवाई की गई। इसके लिए रविवार को थानों और थाना क्षेत्र की कॉलोनियों में पहुंचकर पुलिस जनसुनवाई की। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के वर्धमान पार्क में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां के रहवासियों ने डीजीपी के सामने अपनी बात रखी और कई लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायत की। डीजीपी ने हर एक सवाल का जवाब देते हुए लोगों की शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी दिए। डीजीपी ने कहा कि नशे को लेकर लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि नशे के सौदागरों का खुद धंधा चौपट हो जाए। उन्होंने साइबर अपराध के बारे में भी लोगों को बताया, साथ ही नक्सलियों के नेटवर्क को खत्म करने, आतंकवाद के बारे में भी अपनी बात रखी। इससे मौके पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरी मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी, डीसीपी रामजी श्रीवास्तव, एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंवाद में प्रबुद्ध नागरिक, डॉक्टर, अधिवक्ता महिलाओं ने भी भाग लिया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों में निर्देशित किया गया है कि पुलिस को प्रबुद्ध जनों से चर्चा करनी चाहिए, जनसंवाद बढ़ाना चाहिए। इसी तारतम्य में आज हमने मध्य प्रदेश के सभी लगभग 968 थानों में पुलिस जनसंवाद का आयोजन किया है। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे हैं और जो समाज के विभिन्न प्रबुद्ध जन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, विभिन्न व्यापार मंडल के सदस्य हैं, जो अपने सामाजिक संस्थाएं हैं उनके सदस्यगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन सभी को आमंत्रित किया है। और प्रयास ये है कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस से, उनकी क्या समस्याएं हैं सुरक्षा संबंधी, क्या उनके सुझाव हैं, उनको हम लोग जानें, पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में उनको बताएँ, व्यावहारिकताओं के बारे में बताएँ उन्हें, और आपस में बात कर जो भी समस्याएं हैं उनका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उस पर विचार करें। क्योंकि पुलिस जो भी करती है उसमें जनता का सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक है और उसके बिना पुलिस अपने काम में सफल नहीं हो सकती। तो जब मिल बैठ कर एक दूसरे से समस्याएं समझेंगे तभी हम लोग जो है समाज में शांति का वातावरण बना पाएंगे। तो ये पहल हम आगे भी जारी रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे क्या निकल के आया सामने, सभी लोगों से, जनता से सुझाव लिया गया? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये वर्तमान कार्यक्रम अशोका गार्डन क्षेत्र में हुआ, लेकिन यह जिले के लगभग कमिश्नरेट के हर थाना क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय स्तर पर जितने भी प्रबुद्ध नागरिक गण हैं, जो जनप्रतिनिधि गण हैं, उनसे उस क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को सुना जाए, उनके सुझावों को सुना जाए, उनके जो जरूरी सुझाव हैं, जो वाकई जो सुझाव जो बहुमूल्य है, उन पर पुलिस लागू करे, अमल करे और लोगों को सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में उसका उपयोग करे। आज इस क्षेत्र में स्थानीय कई मुद्दे सामने आए और न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में इस तरह के जो मुद्दे सामने आए हैं पुलिस उन पर भी करेगी और आने वाले दिनों में लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। यह जो संवाद है लोगों के साथ, जो परस्पर समस्याओं और सुझावों से संबंधित जो ये आयोजन है, लगातार जारी रहेगा। कब तक ये अमल सुझाव? इसमें जो स्थानीय मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दों पर तो तत्काल में बात की गई, उनके मुद्दों को चर्चा की गई, पुलिस भूतिपूर्ण ढंग से इम्पैथेटिक तरीके से काम करे इस पर बात की गई और खासतौर पर लोगों को जागरूक करने की दिशा में लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे इस तरह की चुनौतियां कम हो और इस तरह के खतरे आए ही नहीं, उसके बारे में भी पुलिस ने बात की। क्या सर, इसमें वार्ड स्तर पर इस तरह के संवाद आयोजित किए जाएंगे? क्योंकि ये थाना स्तर का था, पूरा एक थाना स्तर का था, वार्ड स्तर पर जिस तरह वर्तमान में इस तरह का आयोजन जो कि जो जनसंवाद का है वो थाने क्षेत्र पर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि रक्षा समितियां मध्य प्रदेश में और खासतौर भोपाल में सक्रिय हैं। कई बार जब आयोजन होते हैं पर्व त्योहारों के, लोगों की भागीदारी होती है उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में, तो इस तरह की इस आयोजन का स्तर जो है मोहल्ला स्तर पर भी, थाने स्तर पर भी, छोटे छोटे मोहल्ला समितियों के माध्यम से जारी रहता है। उद्देश्य यह है कि लोगों में जागरूकता का जो स्तर है, जागरूकता की जो एक अभियान है जारी रहे, लोगों तक पुलिस की बात पहुँचे, लोगों में खासतौर पर ट्रैफिक और खासतौर पर यातायात से जुड़े मुद्दों के साथ साथ जो साइबर से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के रहे। कई बार महिला अपराधों से जुड़े मुद्दों में पुलिस को इस माध्यम से सफलता मिलती है, तो पुलिस के जो संदेश है हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर के अभियान लगातार जारी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।